2020 जितना नहीं अच्छा था कि 2021 शुड बी द मोस्ट मेमोरेबल ईयर फॉर एवरीवन एंड सबको खुशियाँ मिले, सबको बहुत सारी स्माइल्स मिले, बहुत सारा प्यार मिले सांता से. मैं सेंटर से ये मांगना चाहूँगा कि इस पूरे 2021 था ना ये 2020 मैं सेंटर से ये मांगना चाहूँगा कि 2020 में जितने भी लोग इस दुनिया से कोरोना की वजह से गए हैं वो सब वापस आ जाएं. पॉसिबल है क्या सेंटर? नहीं ना. और अपने लिए मांगा है और लोगों के लिए क्या मांगना चाहूँगा? लोगों के लिए ही था ये भी, और लोगों के लिए ये भी मांगना चाहूँगा कि अब प्लीज़ ये जो भी पेंडेमिक है, जो भी बीमारियाँ हैं, जो थोड़ा कम हो, लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी जीने का मौका मिले, लोग बाहर निकल पाएँ, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएँ, क्योंकि फ्रीडम होते हुए भी फ्रीडम नहीं है, सब बंधे हुए हैं. अब बंधे रहना ही अच्छा है. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी बाहर निकलिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक. अगर आप बने सेंटर तो लोगों को किस तरह से क्या खुशियाँ देना चाहेंगे? ट्रस्ट मी, मेरे बस में जो जो कुछ है वो मैं करता ही रहता हूँ, और जो जो कुछ हो पाएगा वो हमेशा आप लोगों के लिए करूँगा. नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल आई विल ऑलवेज डू फॉर यू. थैंक यू. मैं पूरी दुनिया में बस बहुत सारी खुशियाँ बांटना चाहूँगी. दैट्स ऑल. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ खुशी है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है. सो मैं तो भर भर के लोगों को खुशियाँ दूंगी. कुछ यादें हैं क्रिसमस से, स्कूल की हों या जो भी? बहुत सारी यादें हैं क्रिसमस से. सबसे पहली बात ये होती थी स्कूल क्रिसमस पे तो छुट्टियाँ ही हो जाती थी हमारी क्रिसमस से पहले ही, और न्यू ईयर के बाद तक खुशियाँ चलती थी हमारी. तो ये वो जितनी भी यादें हैं ये सारी क्रिसमस से पहले वाली हैं. जब क्रिसमस आने वाला होता था तो हम लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, सीक्रेट सेंटा खेलते थे, ऐसे बहुत सारे गेम्स हम लोग हमारे शोज़ में भी खेलते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारे बहाने बनते हैं खुशियों के, और वो खुशियों को अगर आप सोचेंगे कि अपने आप आ जाएँ तो नहीं आ सकती, आपको ढूंढना पड़ेगा. नया साल भी आने वाला है तो हाँ जी, नया साल में रेजोल्यूशन कुछ बनाया दोनों ने, कैसे क्या होगा आपके लिए नया साल? नया साल कैसा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा. अगर हमारे शो को आप बहुत सारे TRP देंगे और बहुत सारा प्यार देंगे तो हमारा नया साल बहुत अच्छा हो सकता है. एंड इन रिस्पॉन्स ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत मेहनत और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और आप लोगों को बहुत सारा एंटरटेनमेंट देंगे, आपको रूटीन लाइफ से उसे एक घंटे के लिए बिल्कुल जुदा कर देंगे. आप लोग प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. भी सेम विश करती हूँ एंड यही मेरा रेजोल्यूशन रहेगा कि अगर हमें प्यार मिल रहा है तो उससे हम 10 times ज़्यादा आपको प्यार दें इन रिटर्न. एंड किस तरह से आगाज़ होगा नए साल का, कुछ सोचा है इस बार? क्योंकि बहुत ख़राब साल गया ये. हाँ, बहुत ही ख़राब साल गया ये. आगाज़ एक विश के साथ और एक ब्लेसिंग के साथ होगा. विश और ब्लेसिंग दोनों ही कहीं ना कहीं इस बारे में होगी कि सब लोग ठीक रहें और जितना हो चुका है बहुत हो चुका है, इससे ज़्यादा और ख़राबियाँ ना हों. तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अगर हम अपने जितने भी आसपास वाले हैं उनको ये सिखा पाएँ कि वो सेफ़ रहें और वो घर पे रहें, तो आप उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होंगे. तो आप प्लीज़ सबको ये बताइए, अपने आसपास वालों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं, मुझे मानते हैं, वो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए और किसी को भी निकलने मत दीजिए. हम दोनों की तरफ से आपको मेरी 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 क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर.